गाइस, बुबू ने आज बहन का टेस्टी टेस्टी सैंडविच खा लिया, इसलिए बहन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है बुबू के ऊपर। अब तो देख के लग रहा है कि बहन बुबू को सैंडविच बना के खाने वाला है। बहन मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं दोबारा से तुम्हारा सैंडविच नहीं खाऊंगा, इस बार प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो गाइस, इस बहन को लड़के लोग पैसा, गाड़ी, आईफोन दे रहा है, बट बहन तो ये सब कुछ ठुकरा दिया। तो फिर बहन को क्या चाहिए? अच्छा, बहन को इतना क्यूट क्यूट पपी चाहिए। ये बहन तो क्यूट क्यूट पपी लेके एकदम खुश हो गया। लग रहा है बहन को देख के बहन तो पूरा दिल से पपी लवर है। देखो गाइस, मैमो घर में बैठे बैठे अकेला अकेला बोर हो रहा था, इसलिए मैमो उसका फेवरेट रेस्टोरेंट में कॉफी खाने आ गया है। ढोलू, इसे अच्छे से पकड़ के रखना, मैं इसे काटने वाला हूँ। मैं इसे नहीं पकड़ सकता। ठीक है, अब मैं इसे छोटा वाला देता हूँ उसे पकड़ने के लिए। अबे पोलू उठ जा, मुझे ये नहीं करना। अबे पोलू उठ जा, तू कर दे बहन का मदद, मुझे नहीं करना, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मैं सो जाता हूँ। देखो, ये भैया इस बहन के पास एक पपी मांगा, बट बहन ने दिया नहीं। जब भी ये भैया एक लॉलीपॉप दिया, तब भी बहन ने उसे एक क्यूट सा पपी दे दिया। लग रहा है कि बहन को लॉलीपॉप बहुत पसंद है, इस क्यूट पपी से भी ज्यादा। देखो गाइस, पपी लोग भैया के साथ घूमने आया था, इस पार्क में घूमने आके इस नाव के ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद भैया जो करतब दिखा रहे, मतलब इस नाव को जो इधर उधर हिला रहे, लग नहीं रहा है पपी लोग दोबारा कभी भैया के साथ घूमने आएगा। बेफालतू में पपी लोग फंस गया बेचारा, पता नहीं अब क्या ही होगा। देखो गाइस, ये ढोलू और ढोलू को, इस दोनों को जब भी कहीं पे अकेला छोड़ो, ये दोनों मिलके चुम्मा चाटी स्टार्ट कर देते हैं। अबे ढोलू और ढोलू बस कर, बहुत चुम्मा चाटी किए हैं, अब थोड़ा रुक जा, बाद में फिर से करना। देखो गाइस, मैमो का सामने ही बर्थडे है, इसलिए बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा, केक आने मिलेगा, इसलिए बहन और मैमो दोनों मिलके झिंकुना कुन्ना 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 डांस कर रहे हैं। मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। फिर से यही रोज का एक एक पीते खाना, मुझे नहीं खाना। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ नया बनाता हूँ। पहले डॉग फूड को अच्छे से मैश कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा चिकन दे देंगे, इसे थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे, और इसमें थोड़ा सा अंडा दे देंगे, और इसमें थोड़ा सा गाजर देके और हाथ से इसे मैश कर लेंगे। फिर एक ट्रे में रंग बिरंगी कप केक रख के ये सब मैश किया हुआ चीजें दे देंगे। इसके बाद ओवन में थोड़ा सा कुक करेंगे। अब थोड़ा सा क्रीम को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब जो कप केक रेडी हो गया उसके ऊपर क्रीम देके और एक स्ट्रॉबेरी देके डेकोर कर लेंगे। और एट लास्ट ये हो गया टेस्टी टेस्टी पपी के लिए।